साल खत्म होने को है और देश के कई इलाकों में ठंड बेहद बढ़ने लगी है और पारा माइनस में चला गया है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तापमान माइनस में है, तो वहीं श्रीनगर घने कोहरे की चपेट में है। कुदरत के सबसे खूबसूरत चित्रों में से एक, जब ऐसा लगे कि मानो कुदरत ने एक बेहतरीन कलाकारी की हो, तो नजारे ऐसे ही दिखते हैं जो खूबसूरत के साथ साथ मनमोह लेने वाले भी होते हैं। ऐसा ही एक मनमोहक नजारा कश्मीर में देखा जा रहा है, जहां ऊंचाई के इलाकों में बर्फबारी से टूरिस्ट खुश हैं, तो वहीं श्रीनगर पूरी तरह कोहरे की चादर से ढका हुआ है। श्रीनगर में आज हर तरफ घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिखी, तो डल झील का नजारा तो ऐसा था कि कोहरे की वजह से झील दिख ही नहीं रही। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक कोहरे और ठंड के प्रकोप के लगातार बढ़ने की पहले ही भविष्यवाणी कर दी है। दूसरी तरफ इस मौसम का पर्यटक जमकर मजा ले रहे हैं, जहां गुलमर्ग, सोनमर्गा और पहलगाम में बर्फबारी और जमे हुए झरनों और पानी का आनंद उठा रहे हैं, वहीं श्रीनगर में भी टूरिस्टों की भारी भीड़ है। कश्मीर में इस वक्त टूरिस्ट रिकॉर्ड तोड़ संख्या में मौजूद हैं। गुलमर्ग पूरी तरह से बुक है, वहीं सोनमर्ग और पहलगाम में भी विभाग का कहना है कि लगातार टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है। कश्मीर घाटी में सर्दियों का 40 दिनों का चिल्लई कला चल रहा है, जो 30 जनवरी को खत्म हो जाएगा। कश्मीर से खालिद हुसैन, जी मीडिया।